रिवर्स करेंगे तो उस नेक्स्ट रिएक्शन जो बनेगी, जैसे मैंने ये रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को रिवर्स करा तो इस रिएक्शन का के वन बाय के हो जाता है, ये मैंने प्रूव भी करा, आप देख सकते हैं। और मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिया कि एच टू प्लस सी एल टू का के यदि चार दे रखा है और यदि उस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो नेट रिएक्शन बनी उसका के वन बाय फोर हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ के, पहली प्रॉपर्टी। ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी कराऊंगा बेटा, पहले लिखो आप फटाफट, फिर तीसरी कराऊंगा, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा। सर मतलब अगर ऐसी रिएक्शन आ जाए तो हमें ऐसे मतलब सॉल्व करना, हाँ, जैसे आपने ये के वाला बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। यदि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो के रिवर्स हो जाएगा, सही बात है। जैसे थर्मो में भी करा था आपने, थर्मो में याद है, थर्मो केमिस्ट्री में यदि रिएक्शन रिवर्स होती थी तो डेल्टा एच पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता था, याद है? यस सर। आगे करें? No, सर, तो उसमें लिखा हुआ आएगा ना कि रिवर्स करो रिएक्शन को? नहीं बेटा, लिखा नहीं आएगा, तेरे से पूछेगा ऐसे जैसे मैंने सवाल पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्वेश्चन है नीट का, मैं ले लेता हूँ सब, एक क्वेश्चन है नीट का, चल इस पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन है, यहाँ पे येल्लो में लिखता हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, चेक कर सकते हो तुम, 2008 में आया है। तो एक रिएक्शन दे रखी है आपको, एच आई गिव्स हाफ एच टू प्लस हाफ आई टू, ठीक है, इसका 0.8 आठ आंसर दे रखा है, आठ। अब सोचा फाइंड के ऑफ ऐसे हाफ एच टू प्लस हाफ आई टू गिव्स एच आई, तो समझ में आ गया? आप कितना आंसर बोल दोगे इसका बताओ, सही है? अभी क्लियर है भाई? सर ये ऊपर वाली क्या दिया हुआ है हमें? कौन सा बेटा? सर ये जो साइड में एट लिखा है आपने, ये भी क्वेश्चन ही था, ये मैंने एग्जांपल दिया था कि H2 plus Cl2 gives twice of HCl का K दे रखा है चार, तो find K किसका twice of HCl plus H2 plus Cl2, तो उल्टा करा रिएक्शन को, तो उसका K कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि K2 किसके बराबर है, 1/K1 के, सही है? और ये नीट का सवाल है, जेट इज। ओके सर, तो इसमें हमें रिएक्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, अभी अभी दूसरी प्रॉपर्टी में सॉल्व करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। फाइंड के बाद क्या लिखा है? फाइंड के ऑफ हाफ एच टू प्लस हाफ आई टू गिव्स एच आई। और सर ये जो आपने एट लिखा है साइड में, गिवन है ना? हाँ गिवन है बेटा। आगे बढ़ सकते हैं। हमें ये दे रखा है, हमें एक कांस्टेंट दे रखा है, हमें दूसरा कांस्टेंट निकालना है, ऐसा? हाँ बेटा, हाँ जी। आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर, यस सर, यस सर। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर टू। मान लो एक रिएक्शन है ए से बी, ध्यान से देखेंगे, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, K1 की वैल्यू अभी भी आपने देखी क्या हो जाएगी, B by A। मान लो इस रिएक्शन को मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी, तो लेट्स से मैं इसको N से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका K2 क्या आएगा, कोई बताएगा K2 क्या आएगा? B रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्री और A रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्री, है कि नहीं है? यस सर। तो मैं रिलेशन क्या निकाल सकता हूं, इस रिएक्शन का जो K2 है वो किसके बराबर है, K1 की पावर n के बराबर है। जैसे सुनना मेरी बात, अभी कंफ्यूज मत होना, जैसे मान लो अभी वाली रिएक्शन है, तो मैंने लिखा, मान लो मैंने कोई रिएक्शन ली PCl5 gives PCl3 plus Cl2 और इस रिएक्शन का K मुझे लेट से 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4, तो मैंने कहा फाइंड, और मैं लिख दिया कि ये लिख दिया, और मुझे मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया भाई, ठीक है, और इसका के पूछा मुझसे आपने, तो इसका के कितना हो जाएगा, कोई बताएगा इसका के कितना हो जाएगा, जो के वन है उसकी पावर, मतलब 4 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। सही बात है, देखो ये प्रूफ भी कराना, अपन ने सबको दिख रहा होगा ये,
क्लियर है देखो के टू क्या है, के वन की पावर एन ही तो है। तो यदि आप किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से तो जो नेट रिएक्शन बनेगी उसका के होगा प्रीवियस रिएक्शन का के है उसकी पावर एन। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। लिखेंगे सर तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा मतलब के वन है या के टू है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन तो बेटा के वन के टू कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन था इसका के दे रखा था, तो के वन के टू छोड़ ना, इसका के चार दे रखा था। तूने देखा ये वाली रिएक्शन, जब तूने रिएक्शन देखी तो तुझे पता चला कि यदि ऊपर वाली रिएक्शन में दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली रिएक्शन बन रही है। सही बात है? सही बेटा, ये वाली रिएक्शन को देख के ही तो फील आ रही है कि पहली वाली रिएक्शन को दो से मल्टीप्लाई करना है तो उसका के क्या होगा हमारे का, जो पहली रिएक्शन का के है उसका पावर चढ़ा दी। सर अगर अगर दो से ना करें और मतलब किसी और से कर दें, किसी और किसी से कर दें दो से दस से, तभी तो एन लिया ना बेटा मैंने, तो डेरिवेशन में एन लिया। अच्छा अगर तीन से करते तो यहाँ पे इसका क्यूब हो जाता। हाँ, देखो ना यहाँ पे के टू को ऐसे तो, इस के टू को ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, के टू क्या है, के टू है बी बाय ए की पावर टोटल का क्या है एन है बेटा, और यही तो के वन है। तो के टू बराबर क्या हो गया, के वन की पावर एन। सही है, क्लियर भाई? देखो हाँ या ना? यस सर। चलो आगे इसको लिखो फटाफट, फिर अगला सवाल दे रहा हूँ, वो अगली प्रॉपर्टी बताता हूँ। हमें ये वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली फाइंड और नीचे वाली स्टेटमेंट ये तीनों दी होगी, बस हमें तो बेटा सवाल है, ये सवाल है, सवाल। ओके सर। अभी मैं क्वेश्चन करके बता दूंगा तीनों को मिला के, ठीक है? एक बार तीसरी प्रॉपर्टी और पढ़ा दो बस। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। सर एक मिनट। ओके तो देखो तीसरी प्रॉपर्टी और है जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इजी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। मान लो एक रिएक्शन है जो ए से बी जा रही है, ठीक है, तो उसका के वन क्या है, बी बाय ए, है ना। मान लो एक रिएक्शन है जो बी टू सी जा रही है तो उसका के टू कितना लिखोगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा एक रिएक्शन जा रही है ए टू सी, इसका के थ्री क्या लिखोगे बेटा, सी बाय ए। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो आप, ये मेरी पहली रिएक्शन है, ये मेरी दूसरी रिएक्शन है, ये मेरी तीसरी रिएक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं पहली दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, यदि मैं दोनों रिएक्शन को कर दूं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बनेगा यदि ऐड कर दे तो बताओ। यदि इन दोनों को ऐड कर दे तो ए जा रहा है बी में, बी जा रहा है सी में, यदि इनको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, ए प्लस बी गिव्स बी प्लस सी, तो क्या बन जा रही है बताओ, तीसरी रिएक्शन बन जा रही है कि नहीं बन जा रही है। यदि दोनों को ऐड करने पे तीसरी रिएक्शन बन जा रही है तो देखो जो तीसरी रिएक्शन बनी है के थ्री, उसका के किसके बराबर आ रहा है, देखो के वन इंटू के टू के बराबर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आप के वन को के टू से मल्टीप्लाई करो तो के थ्री के बराबर आ रहा है, सबको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए बेटा। सर इंटू क्यों करेंगे, हमने तो यहाँ पे इसको प्लस कर, बेटा इंटू नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यदि रिएक्शन को ऐड करेंगे ना तो उनके के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वही सिखाने वाला हूँ कि यदि मैं दो रिएक्शन को ऐड करता हूँ तीसरी रिएक्शन बनी तो इस तीसरी रिएक्शन का जो के आ रहा है ना वो उनके के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। आप यहां से देखो, आपको इन तीनों में क्या रिलेशन नजर आता है, ये तो आता है के थ्री बराबर क्या है के वन इंटू के टू है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उनके के आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आई? यस सर। लिखो इसको, अभी मैं सवाल करता हूं इस पे एक बड़ा सा, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, आप इसको लिख लो
एक सवाल मैं कर रहा हूं नीट का ही है, तो वो करूंगा तो आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लिखा सबने? हाँ जी बेटा। सर अभी एक मिनट, सर एक और बार रिपीट कर दो, मैं समझा रहा हूँ, तुम एक बार लिखो, बस इसको लिखो, क्वेश्चन लेते हैं इसका, समझ में आएगा। बस ये बात है, रखो, यदि रिएक्शन को ऐड करेंगे तो के मल्टीप्लाई होंगे, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो के वन बाय के हो जाएगा, और यदि किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में जाएगा। तीन बातें याद रखोगे कि यदि रिएक्शन ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई होंगे आपस में, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में जाएगा, रिवर्स करोगे तो वन अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखो, इसको लिखो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या करना। ठीक है, बढ़ू आगे? बस एक मिनट। Yes, done, sir. देखो अब सब लोग ना ये क्वेश्चन ध्यान से देखना और यही समझना है आपको, तो नीट का ही सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, N2 plus thrice of H2, ठीक है, एक रिएक्शन दे रखे N2 plus thrice of H2 gives twice of NH3, ठीक है, ये 2007 का सवाल है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1, ऐसा गिवन है। दूसरी रिएक्शन दे रखी है N2 plus O2, ठीक है, N2 plus O2 gives twice of NO, ये K2 दे रखा है बेटा। फिर दे रखा है H2 plus half O2, ठीक है, ये दे रखा है H2O, ये K3 दे रखा है ना, ये गिवन है। तीन रिएक्शन है, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, ऐसा सवाल आएगा। आएगा फाइंड K4, ठीक है, एक रिएक्शन गिवन है ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस 5 by 2 O2 gives twice of NO plus thrice of H2O। ये जो ग्रीन में लिखे है ना मुझे रिएक्शन, इसका के निकालना है इस डेटा के हिसाब से। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे ही अपने थर्मोकेमिस्ट्री में भी करा था, आपको याद हो तो, याद है नेट रिएक्शन निकालने वाला, याद है? Yes, sir. तो देखो आप इस सवाल को कैसे देखोगे, सब लोग ध्यान से देखो, आपको ये रिएक्शन बनानी है, ठीक है, इन तीनों रिएक्शन की मदद से। तो आपको क्या लगता है, मुझे रिएक्टेंट में NH3 चाहिए, तो पहली रिएक्शन का क्या करना चाहिए, जवाब दो। पहली रिएक्शन को उल्टा कर दे, रिवर्स कर रहे, तो देखो लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ NH3 गिव्स N2 plus thrice of H2। अच्छा, अभी आप भी आपने सीखा, यदि आप रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, यदि आप रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो उसका के क्या हो जाएगा, सही है, वन अपॉन के वन हो जाएगा, ये सही बात है। अच्छा अब देखो, क्लियर भाई इतना? अच्छा अपन को अब देखो और क्या चाहिए, एनओ प्रोडक्ट में चाहिए, एच टू ओ प्रोडक्ट में चाहिए, तो एनओ और एच टू ओ दोनों प्रोडक्ट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है? तो देखो लेकिन आपको पानी कितना चाहिए, तीन चाहिए ना, तीन दिख रहा है पानी के आगे, तो थर्ड रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो, थ्री से। तो देखो सेकेंड रिएक्शन तो एज इट इज रखनी पड़ेगी, तो उसका के तो छेड़ेंगे नहीं, लेकिन थर्ड रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री से, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देख लीजिए, 3H2 plus 3 by 2 O2 gives कितना आ जाएगा, thrice of H2O, इसका K क्या आ जाएगा, बोलो, K3 की पावर कितना आ जाएगा, तीन, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही पावर में चला जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब इनको ऐड कर रहे हैं अपन, तीनों रिएक्शन को ऐड करके देख रहे हैं क्या ये बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, तो ऐड करते बेटा, ट्वाइस ऑफ एन एस थ्री प्लस एन टू प्लस ओ टू प्लस थ्राइस ऑफ एच टू प्लस थ्री बाय टू ओ टू गिव्स एन टू प्लस थ्राइस ऑफ एच टू प्लस ट्वाइस ऑफ एन ओ प्लस थ्राइस ऑफ एच टू ओ। देखो कुछ कट रहा है तो काटो, तो देखो एन टू से एन टू कट गया, एच टू से एच टू कट गया, अब देखो वन प्लस थ्री बाय टू कितना हो जाएगा, तो क्या बन रही है, देखो ट्वाइस ऑफ एन एस थ्री प्लस फाइव बाय टू ओ टू गिव्स ट्वाइस ऑफ एन ओ
प्लस थ्राइस ऑफ एच टू बन गई कि नहीं बन गई रिएक्शन बोलो। यस सर। तो इन तीनों रिएक्शन को एड करने से बनी ना रिएक्शन, तो इसका के क्या आएगा उनके के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, तो इसका के क्या आएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, वन अपॉन के वन इंटू के टू इंटू के थ्री की पावर कितना तीन। अभी समझ में आया सर? जैसे आपने सेकंड इक्वेशन लिखी है n2 plus o2 is equal to 2no, तो सर इसमें आपने पावर नहीं चढ़ाई, इसमें भी तो पावर कुछ किया ही नहीं ना, कुछ किया ही नहीं ना बेटा, मैंने किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया, थर्ड रिएक्शन को तीन से मल्टीप्लाई करी है, सेकंड रिएक्शन तो एज इट इज यूज करी ना जो थी, क्योंकि मुझे एनओ ही चाहिए था ट्वाइस ऑफ एनओ, इधर ट्वाइस ऑफ एनओ था, लेकिन यहाँ पे देखो तीन एच टू ओ था, यहाँ पे एच टू ओ ही है, इसलिए तीन से मल्टीप्लाई किया। सही है, अभी समझ में आया? तो रिएक्शन को उल्टा करोगे तो के उल्टा हो जाएगा। हाँ बेटा सर आपने ये लास्ट स्टेप कैसे किया? बेटा मैंने सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद मुझे रिएक्शन मिल गई। सही है, तो रिएक्शन को ऐड करने से रिएक्शन आई, तो इस रिएक्शन का के इनके मल्टीप्लाई के बराबर में होता है। देखो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, यदि आप रिएक्शंस को ऐड करते हो, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके मैंने ये बनाया, तो इसका के किसके बराबर आया था, उनके के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। सही है, तो यदि मैंने रिएक्शंस को ऐड करा, इन तीनों रिएक्शन को ऐड करके ये रिएक्शन बनाई, तो इसका के होगा उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर। क्लियर है अभी? बोलो भाई। सर यहाँ तो मतलब वैल्यू भी आपने देना के की, क्या के की वैल्यू? वैल्यू नहीं दे रखी बेटा, नीट में भी नहीं दे रखी, नीट का सवाल है बेटा, AIPMT 2007। सही है, वैल्यू भी दे सकता है पर वैल्यू नहीं दे रखी तुझे इस क्वेश्चन में। सर इसमें बोलो बोलो जल्दी जल्दी, इसको करो, मैं एक सवाल और दे रहा हूँ नीट का, ये 2005 का, पहले फटाफट इसको क्लियर करो। क्लियर है सवाल? कितने लोग को क्लियर है? प्लीज हैंड रेज करिए फटाफट, कुछ नहीं करना है। यदि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो के रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन को ऐड करेंगे तो के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यदि रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो के की पावर में चला जाएगा। तीन छोटे से रूल है और कुछ भी नहीं है। फटाफट जिसको डाउट है पूछिए या सवाल को लिखिए, मैं अगला सवाल दूंगा आपको जो आपको करना है। देखो जो पढ़ा रहा हूँ वही नीट होता है, ये प्रूव कर रहा हूँ मैं आज आपको, आप कल मना कर रहे थे ना, देखो मैंने जो पढ़ाया वही सवाल है। अब एक और सवाल ले लेते हैं, सारे नीट के सवाल मैं ले रहा हूँ आज। सर तो बस हम ये लास्ट में यही हमारी इक्वेशन होगी, ये आंसर आ गया ना बेटा, यही तेरा नीट का आंसर है, ये आ गया K2 into K3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय K1, ये आंसर है बेटा, चार नंबर। ऑप्शन भी बता देता हूँ तुझे, सी, चार ऑप्शन दे रखे हैं। सही है? यस सर। अब सवाल दो एक आप करके बताओ फिर मुझे एक सवाल। हाँ सवाल दे दूं? यस सर। चलो तो ये वाला सवाल करके बताओ अब आप, थोड़ा सर, है नीट थोड़ा सा ले रहा है, ये है सवाल नीट का ही लेकिन थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूँ, वो सवाल बहुत लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो टाइम वेस्ट होगा। ओके बेटा, सवाल कुछ इस तरह का है कि गिवन है एनओ प्लस हाफ ओ टू, है ना, इसको दे रखा है एनओ टू, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन दे रखा है, फाइंड के, ठीक है, ये इस रिएक्शन का के निकालना है, ट्वाइस ऑफ एनओ टू गिव्स ट्वाइस ऑफ एनओ प्लस ओ टू, इस रिएक्शन का के निकालना है, बताओ क्या होगा, के वन के टर्म्स में आएगा,
बताइए क्या आएगा, आप करके बता दीजिए। इतने में अगला सवाल ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। K1 का स्क्वायर नहीं बेटा, ध्यान से देख, उल्टा नहीं किया लड़की, ध्यान से देख। तो 1/K1 16। ऐसे 16 कहां से आएगा लड़की यार, K1 दे रखा है इसका, इसका K1 दे रखा है, 16 कैसे जाएगा? ये रिएक्शन कैसे आएगी बताओ, क्या करना पड़ेगा ऊपर वाली रिएक्शन में पहले? सर 1/K1 का स्क्वायर। हाँ ये कौन लड़की बोली, बहुत सुंदर बोली, 1/K1 का स्क्वायर आंसर है। यस सर। इतना तो इजी है, और इससे आसान नीट नहीं पूछ सकता आपसे। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन आया नीट में देखो, 2011 दू, हो गया सबका? यस सर दीजिए। एक और क्वेश्चन हाँ बोल बेटा। तो 1/K1 स्क्वायर कैसे आएगा बेटा? बहुत सिंपल आया, इस रिएक्शन को उल्टा कर, तो नीचे वाली रिएक्शन को ध्यान से देखेगी बेटा आंसर आएगा। रिएक्शन को उल्टा करेगी तो ये बनेगा, तो 1/K1 हो जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो देख तेरी ये वाली रिएक्शन नहीं आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करा तो स्क्वायर हो गया। क्लियर बेटा? सही लड़की। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और आया नीट में, देखो N2+O2, देखो यही सब आता है, ट्वाइस ऑफ NO, इसका K1 दे रखा है भाई, ठीक है, एक रिएक्शन दे रखे है, ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2, इसका K2 दे रखा है, आपको बताना फाइंड K4, ये रिएक्शन का के निकालना है, ये रिएक्शन दे रखी है NO2, ठीक है, गिव्स हाफ N2+O2। अब गलती मत करना, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, उन दो का गिवन है अपन को, तो उन दोनों के हिसाब से इसको सेट करना है। बताओ सब लोग आंसर, आप बोलोगे तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, क्योंकि मैं तो टी पी रहा हूं प्रॉपर। तो ए ऑप्शन दे रखा है 1/2 बी ऑप्शन दे रखा है 1/4 सी ऑप्शन दे रखा है 1/K1 की पावर 1/2 सी डी ऑप्शन दे रखा है 1/K1 चार ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई, बताओ। 2 मिनट है सबके पास, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ जी आ रहा है किसे कुछ आंसर? सी आ रहा है, सी। यस सर। मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोग करके देखिए, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी आई थिंक सो, यस डेफिनेटली। बाकी लोग करके देखो, सब लोग जो आंसर आ रहा है पोस्ट कर दो, पता चल जाएगा ना कितने लोग का आ रहा है। आ रहा है भी नहीं आ रहा कुछ?
देखो यदि आप इस रिएक्शन को देखो तो आप ध्यान से देखो कि इससे ये कैसे बनाएंगे, तो ये तो डेफिनेट है कि पहले इस वाली रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा सेकंड को, तो सेकंड को उल्टा कर लो आप सबसे पहले। है ना, फिर आपने देखा आपको प्रोडक्ट में N2O2 चाहिए, तो पहली वाली रिएक्शन को भी उल्टा करना पड़ेगा। सही है, अब आप इसको ऐड करके देखो क्या बन रहा है। तो आपने ऐड करा यार, तो ऐड करा तो क्या बना देखो, ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस ट्वाइस ऑफ NO गिव्स ट्वाइस ऑफ NO प्लस N2 प्लस ट्वाइस ऑफ O2। देखो NO से तो NO कट गया, तो हमारी ये रिएक्शन बन गई, लेकिन ये मैच नहीं कर रही हमारी रिएक्शन से। कब मैच करेगी वाली रिएक्शन बताओ, जब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस रिएक्शन का K क्या है, देखो इस रिएक्शन का K क्या है, इसका K K देखो इसका इसका जो था वो कितना हो गया, वन अपॉन के टू हो गया बेटा, इसका वन अपॉन के वन हो गया, इन दोनों को जोड़ के बनी। तो इस रिएक्शन का के क्या आएगा, इस रिएक्शन का क्या आएगा, वन अपॉन के वन इंटू वन अपॉन के टू, और हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर किधर चली जाएगी, हाफ में। ये क्लियर है बेटा बताओ, ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर हमें पता करना होगा कि मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे मतलब हाँ जी पूरा आएगा। इतना ही दिमाग लगाना, वो भी ये रिएक्शन बता देगी तुम्हें, जो नेट रिएक्शन क्या करना है वो बता देगी। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको क्लियर है, सही है बेटा? सर एक मिनट बैक कर दो प्लीज। हाँ बेटा Done? Yes. एक क्वेश्चन और आया, ये आपको करना है मेरे लिए। ऐसे लिखा आ रहा है कि KP by KC, ऐसा पूछा है KP by KC for following reaction will be, ऐसे लिखा है रिएक्शन ये लिखी हुई है आपके पास, CO plus half O2 gives CO2, और ऐसे चार ऑप्शन दे रखे A B C D। बोला है कि KP by KC इस रिएक्शन के लिए किसके बराबर आएगा, RT के बराबर आएगा, 1 अपॉन RT के बराबर आएगा, या 1 अपॉन अंडर रूट RT के बराबर आएगा, या RT by 2 के बराबर आएगा। चार ऑप्शन दे रखे, बताइए कि KP by KC ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए केपी बाय केसी किसके बराबर आएगा इनमें से, फटाफट बताओ। क्या आंसर आया किसी का, ऑप्शन डी आया प्रिया का, बाकी लोग का क्या आ रहा है फटाफट बताइए। हाँ बेटा देखो सबने पढ़ा है केपी बराबर किसके होता है, केसी, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एन के बराबर होता है कि नहीं होता है, बोलो। यस सर। तो बताओ केपी बाय केसी किसके बराबर आएगा, केपी बाय केसी बराबर आएगा आरटी की पावर डेल्टा एन के। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन ही तो निकालना है आपको, क्या होगा डेल्टा एन, वन माइनस, देखो इधर वन है और वन माइनस
ये होगा 1 + 1/2 मतलब 3/2, तो किसका आएगा -1/2 के बराबर आ रहा है, सही बात है माइनस, तो आर टी की पावर -1/2 का मतलब क्या है बेटा, इधर 1/√RT, सी आंसर आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सिमरन का आंसर एकदम सही आया था, क्लियर बोलिए, आसान क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल, सबसे हुआ सर आपने फर्स्ट स्टेप कैसे किया, फर्स्ट और सेकंड? बेटा बिल्कुल देखो ये तो तुझे पता है, ये तो पता ही है ना, ये तो तुमने ड्राइव करा है खुद से, यस सर। अब देख डेल टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्री है 1 - रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्री जो कि 1 + 1/2 है, सही है, तो 1 - 3/2 आया मतलब माइनस की 1/2, तो आरटी की पावर -1/2 आ रहा बेटा, उसका मतलब क्या है 1/√RT तो है, सही है बेटा, समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन और करेंगे आप, अब ट्राई, तो क्वेश्चन गिवन है ए गैस टू बी गैस है ना, और ये दे रखा है इफ इनिशियल प्रेशर इक्वल्स टू 1 atm एंड kp इज 4, then calculate pressure of B at equilibrium, ऐसा क्वेश्चन भी करा है हमने, एक मिनट है सब लोग ट्राई करेंगे, तो क्या गिवन है इनिशियल प्रेशर A का दे रखा है 1 atm, इनिशियल प्रेशर A का है 1 atm ठीक है, और हमें पूछा है kp की वैल्यू 4 दे रखी है, हमें B का प्रेशर पूछा है इक्विलिब्रियम पे, तो याद है ऐसे बताना t = 0 करके लिखो, वही वाला तरीका, फटाफट करके बताओ देखो क्या आंसर आ रहा है, कर पा रहे हैं क्या आप, ऐसा कह रहे हैं t = 0 लिख के आपको सिखाया था वैसे ही करना है, तो आप देखो इसको ऐसे ही तो करोगे, a से आप b पे गए तो आप लिखोगे ना t = 0 पे इसका कितना atm है, 1 atm है, तो b का 0 है यार, अच्छा t इक्विलिब्रियम पर, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो मान लेते इसके अंदर x घट गया तो बताएंगे यहाँ कितना बनेगा, बोलो भाई यहाँ पे कितना बनेगा यदि इसमें से x घटा, वन कैसे बनेगा बेटा यदि, हाँ x बनेगा मतलब, अब आप kp लिखोगे, kp क्या होता है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइकोमेट्री दोनों के वन है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, 4 इक्वल्स टू क्या आएगा x/(1 - x), तो क्या आएगा 4 - 4x = x, तो ये आ जाएगा 5x = 4, तो x बराबर आ गया 4/5, और b का प्रेशर कितना है देखो इक्विलिब्रियम पे, b का प्रेशर तो x ही है, तो प्रेशर ऑफ b क्या है x, जो आंसर कितना आ गया आपका 4/5 atm, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये क्वेश्चन, सर एक बार लास्ट वाला स्टेप बता दो, कौन सा लास्ट वाला बेटा, देख kp की वैल्यू 4 गिवन है, इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर है x,
इसका प्रेशर 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया बेटा, सही है? बोलो भाई ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? हाँ यार सर, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली और फिर उसको मतलब PB में पुट कर दिया। बेटा B का प्रेशर ही तो x है, देख तूने बोला इक्विलिब्रियम पे A का प्रेशर है 1/x, B का प्रेशर कितना है x, तो x की वैल्यू तो 4/5 है। यस सर अब। हाँ जी बोलिए बोलिए बेटा, सही है? यस सर। अच्छा और देखते हैं एक क्वेश्चन और है, ये भी करके बताएंगे सब लोग मुझे। एक क्वेश्चन गिवन है कि रिएक्शन दे रखी है सर पहले वाला नोट करना था। अच्छा सर ये टी इक्विवेलेंट ऐसे निकाला ना, उसमें से एक कम करा तो एक्स आ गया। फिर बेटा देख मान ले ये किसका वन था इसका जीरो था, तूने बोला इसमें से एक्स घट गया, तो जब ए में वन घटता है तो बी में भी तो वन बनता है, तो इसमें से एक्स घटा तो बी कितना बना होगा एक्स, सही है? आगे बढ़ जाओ। यस सर। मैं इस बार मैक्सिमम प्रीवियस ईयर करा दिए आपके मैक्सिमम, ठीक है? एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एट 60 degree 1 atm ऑफ N2O4 50% डिसोसिएट इंटू NO2, फाइंड KP। इसको मैं कर रहा हूं देखो, अब मान लो आप किस इसकी रिएक्शन ऐसे गिवन है, अब इसको सब लोग ध्यान से देखो, तो ये रिएक्शन गिवन है अपन को। अच्छा मान लो पहले मुझे बताओ कि मान लो इसका ना इनिशियली 1 atm लिया, तो इसका जीरो लिया, मान लो इसमें से x घटा दूं, तो यहाँ कितना बनेगा बताएंगे? सर x, 2x, सही बात है। इतना सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? अब ये सवाल बिल्कुल आसान है, पता है क्यों? yes, क्योंकि देखो x, अब हमें x के क्या देखे 50% डिसोसिएट हुआ है, इसका मतलब x कितना है? यदि आपके पास टोटल 1 mole था तो डिसोसिएट कितना होगा 50%, तो x कितना है? हाफ ना? यस सर। सही बात है कि नहीं बात है? भाई बोल रहा है कि यार 50% डिसोसिएट हुआ है, तो 1 atm प्रेशर था, तो 50% डिसोसिएट होगा तो आधा atm बचेगा, तो देखो N2O4 की वैल्यू तो आ गई आधा और इसकी वैल्यू आ गई 1। केपी के फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए बताओ? केपी का फॉर्मूला होगा प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 2 है और N2O4 का प्रेशर, तो NO2 का प्रेशर कितना है देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और 1/2 तो 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 atm। ये समझ आता है क्या सबको? यस सर। बताओ क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? बहुत इजी है देखो, एक डिसोसिएट बता दो बेट, वही तो करना। देख एक था जीरो था, ये समझ में आया बेटा? देख तेरे को इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। इसमें नहीं है ना? अब देख बोल रहा है 50% डिसोसिएट हुआ, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 50%। 50% का मतलब क्या है? 1 - 50/100 ना? यस सर। सही है? एक क्वेश्चन और मिला मुझे 2012 का, ये हो गया सबका? ये आप करोगे 2012 वाला, मैं नहीं करूंगा, ये वही वाला है, प्रॉपर्टी वाला है, आसान है, फटाक से आंसर करना है स्पीड से, ठीक है? आगे बढ़ो। एक सी Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन और गिवन है सर, एक मिनट। बेटा फिर मेरी क्लास हो जाएगी आज, है ना, इसलिए 7:15 मेरी क्लास भी है इसलिए। आगे बढ़ू? यस सर। हाँ ये क्वेश्चन करो सब स्पीड से करना है, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज हटा रहा हूँ। ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2। अब आप जाके ना प्रीवियस ईयर कर लो, देखो मैंने ही करा दिए इतने सारे, तो आपको ट्वाइस ऑफ SO3 इसका K की वैल्यू दे रखी है, कितना ऐसे वैल्यू 278।
इसकी के की वैल्यू है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. आपको था ना फाइंड के, किसके लिए के निकालना है आपको बेटा, इस रिएक्शन के लिए के निकालना है. SO3 gives SO2 plus half O2. इस रिएक्शन के लिए के निकालना है, ऊपर वाले रिएक्शन के लिए गिवन है. बताओ भाई फटाफट बताना थोड़ा सा, कैलकुलेटर वैलकुलेटर चला लेना चाहे तो थोड़े टाइम के लिए, जल्दी आ जाएगा आंसर. मैं इसके ऑप्शंस भी दूं क्या? ऑप्शन चाहिए आपको? लिखी देता हूं, 6 × 10⁻², एक ऑप्शन ये है. बी ऑप्शन है 1.3 × 10⁻⁵. सी ऑप्शन है 1.8 × 10⁻³. पॉइंट में आ रहा होगा ना इसलिए पावर. डी ऑप्शन है 3.6 × 10⁻³. वो पावर में माइनस जा रहा है क्योंकि पॉइंट में आ रहा होगा, तो पॉइंट खिसकाते हैं तो पावर माइनस में जाती है, इतना आपको आता होगा. बताओ क्या आ रहा है, कैलकुलेटर चला लेना चलेगा अभी के लिए. तो कुछ आंसर आया क्या? सही है तो समझ. समझ नहीं आया? बे लड़की बहुत एक्यूरेट नहीं आ रहा. पहले तो ये निकाल ले, देख किस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा आई थिंक, है ना, पहली वाली को. यस सर. उल्टा करेंगे तो ये 1/278 हो जाएगा, और फिर आई थिंक हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. यस सर. यस सर. तो आंसर आएगा 1/278^(1/2). सही है क्या? अच्छा 278 किसका स्क्वायर होता है याद है, किसी का स्क्वायर होता है क्या? ये 15, 225, 16, 17, 18, 19 किसका स्क्वायर होता है? 19 का, 18 का नहीं, किसी का भी नहीं होता है, तो व्हाट अप दे दिया है उन्होंने. किसका इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर. हाँ तो 1/16 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, है ना. ये तो व्हाट अप दे दिया, पर आया हुआ है भाई ये क्वेश्चन तो, का अंडर रूट. समझ गए ना आप, कर लोगे इसका अंडर रूट तो? सर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मैं निकालता हूँ, रोका भी लड़की, मेरे को कैलकुलेटर चलाना पड़ गया मेरे को यार. 1/278.0035 ये आंसर है. डी आ रहा है मेरा, लगभग डी आंसर आ रहा है. ठीक है, आप करोगे ना कैलकुलेटर से, तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके देख लिया. सही है, ये तो समझ में आ गया होगा. अगला सवाल सबको समझ में आ गया क्या? यस सर. यस सर. सर आपने ये हाफ कैसे लिखा एक बार बता दो अगले वाले में.
कौन सा ये हाफ? नो सर, जो नेक्स्ट स्लाइड है अगले ये सर, इस ये सर ये हाफ कहां से आया लड़की? रिवर्स करके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये रिएक्शन आएगी। अच्छा सर, आपने हाफ ऊपर भी मल्टीप्लाई। हाँ तो वो मैंने सीधा लिख दिया इस बारी। ये आप कर लोगे। कुछ क्वेश्चन है मैं रिपीट हो रहे जो आप खुद से कर ही लोगे, मुझे नहीं लगता कि मेरी जरूरत ही पड़ेगी आपको इनमें। और ये भी हो गया, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हो गए, रिपीट हो रहे क्वेश्चन से। ये तो आयोनिक में कर देंगे सर, एक बार आप इनको ग्रुप पे सेंड कर देना। इस फाइल को मैं तो इंटरनेट से कर रहा हूँ बेटा, मेरे पास कोई फाइल नहीं, तुम भी ढूंढ लेना ना, मैं जैसे ढूंढे लड़की सर्च कर ले मोबाइल पे आ जाएगा सब कुछ, ठीक है? ये किसी और कोचिंग वोचिंग का है तो वो डालूंगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच आयन इन दिस, ये क्वेश्चन बहुत सही है। तो ये क्वेश्चन ऐसा गिवन है, एफई इसको करके बताओ, एफई ओएच क्या किया? नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन ही गलत है यार, ये नहीं है, आधा आधा आ रहा है, रुक जाओ। आई थिंक यार मैक्सिमम करवा दिए मैंने, अब हो गए मतलब रिपीट हो रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है ना, आप प्रीवियस ईयर का सुनो, आप अभी वीकेंड है ना आपके पास, तो आप क्या करो वीकेंड में ये सारे क्वेश्चंस ना कर लो आप, समझ गए? केमिकल